हेलो स्टूडेंट्स एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड बायो के सेकंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन स्टडी कर रहे हैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कंट्रोल सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में स्टडी किया था आई एम डॉक्टर भारती प्रकाश एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ़ जोआलॉजी एस पी सी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन का कंट्रोल जो है वो पार्टली नर्वस होता है और पार्टली केमिकल होता है यानी कि जो दो मोड्स हैं इसमें जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं नर्वस और केमिकल ये दोनों आपस में क्लोजली लिंक्ड होते हैं पहले हम लेंगे नर्वस कंट्रोल ब्रेन के मेडुला ओब्लोंगेटा और पॉन्स वेरोली में एक कलेक्शन होता है हाईली स्पेशलाइज्ड और वाइडली डिस्पर्स्ड ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स का जिसको रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं इस सेंटर से नर्व इम्पल्स निकलती हैं फ्रेनिक नर्व से डायफ्राम में जाती हैं और इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं दे गो इनटू द इंटरकोस्टल मसल्स ये जो इम्पल्स हैं ये स्टिमुलेट करती हैं इन कंसर्न मसल्स को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो है थोड़े कैविटी है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है विद द रिज़ल्ट इंस्पिरेशन जो है वो फिर इसमें होता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो तीन ग्रुप ऑफ न्यूरो से मिलकर बनता है और ये मेडुला ओब्लोंगेटा और पॉन्स वेरोलिक में जो है वहाँ पे लोकेटेड होते हैं यह है तीन रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो थ्री ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं ये कौन से हैं पहला है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दूसरा है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और तीसरा है इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर इस फिगर में हम नर्वस कंट्रोल जो है वो रेस्पिरेशन का देख सकते हैं हमने बोला दो तरह की नर्व्स जो हैं वो आती हैं एक है इंटरकोस्टल नर्व्स जो कहाँ जाती हैं इंटू द इंटरकोस्टल मसल्स तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स में जा रही हैं और डायफ्रेम में कौन सी जाती है फ्रेनिक नर्व्स तो ये डायफ्रेम है और ये फ्रेनिक नर्व्स जो हैं वो डायफ्रेम में जा रही हैं तो ये दो नर्व्स जो हैं ये नर्वस कंट्रोल जो है रेस्पिरेशन का उसको कंट्रोल करते हैं सबसे पहले हम लेंगे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ये एक्सटेंड करता है मेड्यूला की पूरी लेंथ में और जो बेसिक रिदम है इंस्पिरेशन का वो इन न्यूरॉन्स से ही जनरेट होता है इस सेंटर से यानी कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है यहाँ से नर्व इम्पल्स पास होती हैं फ्रेनिक नर्व्स जो हैं वो डायफ्रैम में जाती हैं और इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स में जाती हैं और इन दोनों मसल्स को वो स्टिमुलेट करते हैं कि वो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हों यानी कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो द नर्वस इंस्परेटरी सिग्नल दैट इज़ ट्रांसमिटेड टू द डाइफ्रैम बिगनस वीकली यानी कि जो नर्वस स्टिमुलेशन मिलता है इंस्पिरेटरी सिग्नल जो मिलता है डायफ्राम को वो बहुत धीरे धीरे शुरू होता है लेकिन स्टेडीली वो इंक्रीज़ होता जाता है एक रैंप के मैनर में रैंप हम जैसे जानते हैं रैंप में क्या होता है एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ जो है या ग्रेजुअल अपलिफ्ट में जो है इसमें होता है तो इसी तरह से रैंप की तरह जो है जो सिग्नल्स वीकली शुरू होते हैं कमज़ोर होते हैं वो धीरे धीरे स्टेडली इंक्रीज़ होते हैं और ये जो रैंप सिग्नल है, वो दो सेकेंड तक इंक्रीज़ होते रहते हैं रैंप सिग्नल जो है वो एक स्टेडी इंक्रीज़ में रिजल्ट करता है जो लंग्स के वॉल्यूम को ड्यूरिंग दी इंस्पिरेशन। तो जब इंस्पिरेशन होता है तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो इंक्रीज़ जो है वो धीरे धीरे होती है स्टेडीली होती है रैंप की तरह सेकेंड जो है वो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो लोकेटेड होते हैं एंटीरियो लेट्रल पोजिशन में डॉर्सल टू द रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जिससे पहले जो हमने डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स स्टडी किए उनके डॉर्सली ये प्लेस्ड होते हैं इन द एन्टीरियो लेट्रल पोजिशन ये न्यूरॉन्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो इनएक्टिव रहते हैं नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम जब नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग हो रही है तो ये उस टाइम पर इनएक्टिव होते हैं यह जो न्यूरॉन्स हैं ये कंट्रीब्यूट दोनों में करते हैं इंस्पिरेशन में भी और एक्सपीरेशन में भी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे प्रोवाइड पावरफुल एक्सपिरेटरी सिग्नल्स जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको ये पावरफुल एक्सपिरेटरी सिग्नल्स देते हैं कब देते हैं एट द टाइम ऑफ हैवी एक्सपिरेशन जब हैवी एक्सपिरेशन होता है तब ये पावरफुल सिग्नल्स जो है वो एब्डोमिनल मसल्स को देते हैं थर्ड है न्यूमोटैक्सिक सेंटर न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो अपर पॉन्स में डॉर्सली लोकेटेड होता है यह ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को टू कंट्रोल द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ द इंस्पिरेटरी रैम्प जो इंस्पिरेटरी रैम्प है उसका जो स्विच ऑफ पॉइंट है उसको ये कंट्रोल करता है और यह कंट्रो जो कंट्रोल करता है उससे क्या होता है जो ड्यूरेशन है फिलिंग फेज की ऑफ द लंग साइकिल वो कंट्रोल होती है जब यह सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है तो इंस्पिरेशन जो है वो पॉइंट फाइव सेकेंड्स तक होती है और लंग्स जो हैं वो थोड़े जो हैं वो एयर से भर जाते हैं लेकिन जब वीक न्यूमोटैक्सिक सिग्नल होता है तो इंस्पिरेशन जो है वो पाँच सेकेंड तक चलता है और लंग्स जो हैं वो एयर से कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं फिर है एपिग्नोस्टिक सेंटर इन लोअर पॉन्स कुछ कंडीशंस में क्या होता है यह सेंटर जो है वो सिग्नल्स भेजता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को ताकि वो प्रिवेंट करे या रिटार्ड करे स्विच ऑफ को जो इंस्पिरेटरी रैंप सिग्नल से मिलता है इसलिए लंग्स जो है वो कंप्लीटली जो है वो एयर से भर जाते हैं यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर का यह है जो है यह है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि इनहिबिट करता है एपिन्यूस्टिक सेंटर को यह जो सेंटर यहाँ पे हम देख रहे हैं यह है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ये एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं यह है, जो है यह है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ये इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं नो तो सेकेंड कंट्रोल है वो है केमिकल कंट्रोल मेन केमिकल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को वो क्या हैं अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बोनिक एसिड या फिर ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इन सॉल्यूशन वो ये दो चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को कैरोटिड बॉडी में जहाँ पर एक कॉमन कैरोटेड आर्ट्री है वो डिवाइड करती है वो डिवाइड होती है और जो है एटा का जो आर्च है वो एंड देर आर सेल्स विच आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस एंड ऑक्सीजन लैक यानी कि कैरोटेड बॉडी में जहाँ पर एक कॉमन कैरोटेड आर्ट्री है कॉमन कैरोटेड आर्ट्री जहाँ डिवाइड होती है और जो सेल्स हैं आर्च ऑफ एओटा के वो सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस के लिए भी और ऑक्सीजन की कमी के लिए भी जब यह सेल्स स्टिम्यूलेट होते हैं तो इम्पल्स जो हैं वो पास होती हैं इनटू टू ब्रांचेस ऑफ दी वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स वहाँ से ये रेस्पिरेटरी सेंटर में जाती हैं इन दैड्यूला ओब्लोंगेटा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन सॉल्यूशन में ब्लड में जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस होता है रेस्पिरेशन के लिए यानी कि कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस होता है रेस्पिरेशन के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है राइज होता है इनक्रीज होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर एक्सरसाइज के टाइम तो ऐसे में रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होता है और वो इम्पल्स को सेंड करता है टू द रेस्पिरेटरी मसल्स ताकि वो डीपर और क्विकर ब्रीदिंग करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट कैन बी गिवन आउट मोर रैपिडली फ्रॉम द लंग्स ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकले इस तरह से रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है रेट ऑफ ब्रीदिंग एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग दोनों को एक एडिशनल न्यूरोनल एरिया जो है वो प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया यह लोकेटेड होता है बायोलेक्ट्रली ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ मेड्यूला यह एरिया जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है टू देंजेस इन दी ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और इन टर्न ये क्या करता है ये एक्साइट करता है इंस्पिरेटरी एरिया को तो हाइड्रोजन आयन्स जो हैं वो दे स्टिमुलेट द कीमोसेंसिटिव एरियाज बियर एज इट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लूड दैट गिव्स राइज टू मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयन्स नाउ वट इज हेरिंग रूनर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स यह एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है ताकि लंग्स का ओवर डायलेशन ना हो यानी कि ओवर डायलेशन ऑफ लंग्स के अगेंस्ट ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं ब्रोंकाई bronchi और ब्रेंकीोल्स में वो इम्पल्स देते हैं एक्सपिरेटरी सेंटर को और यह एक्सपिरेटरी सेंटर जो है वो इंटर्न जो है वो एम्पल्स भेजता है इंस्पिरेटरी सेंटर को और इंस्पिरेटरी सेंटर जो है वो प्रिवेंट करता है फर्दर इंस्पिरेशन को तो इस तरीके से लंग्स जो हैं उनका ओवर डायलेशन जो है वो कंट्रोल्ड रहता है सो स्टूडेंट्स विद दिस टॉपिक टुडे वी एंड द चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन टिल देन Take care. Goodbye.